नमस्ते दोस्तों, मोटे भीम हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। जब हम बहुत साल पहले इंडियन मार्केट को देखते थे तो हैचबैग्स यानी कि छोटी गाड़ियाँ कहलाती थी। लोग समझते थे कि हैचबैग्स यानी कि एकदम एंट्री लेवल गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन आज वो मार्केट सिनेरियो पूरा बदल गया है। आपको मार्केट में प्रीमियम हैचबैग्स मिलती है जो आपको सेडान जैसे फीचर्स और कम्फर्ट देती है और पावरफुल भी होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 सबसे ज़्यादा अच्छी प्रीमियम हैचबैग्स के बारे में बताऊँगा। तो ये लिस्ट में नंबर 5 पोजीशन पे आती है हुंडई की एलीट i20। हुंडई एलीट i20 2015 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसके पहले हुंडई ने ओरिजिनल i20 को 2009 में लॉन्च किया था और तभी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को रीडिफाइन कर दिया था। एलीट i20 में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं और पेट्रोल इंजन के साथ आपको एक CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। एलीट i20 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। एलीट i20 की डिज़ाइन काफ़ी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। हाँ, ये गाड़ी की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल पैकेज के हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। हुंडई एलीट i20 के बाद आती है किया मोटर्स की रियो हैचबैक। किया रियो को हमने रिसेंटली चलाया। ये गाड़ी अभी तक इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुई, लेकिन अगर ये गाड़ी लॉन्च हो गई तो ये सेगमेंट में तहलका मचा देगी। किया रियो में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। अगर ये गाड़ी यहाँ पे आई तो सेगमेंट के सबसे बेस्ट फीचर्स ये गाड़ी में होंगे। इंजन वाइज ये गाड़ी में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है, इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन तो नहीं मिलता। ये गाड़ी की प्राइस पे हम अभी कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये लॉन्च हुई तो i20 से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है इसकी प्राइस। नंबर 3 पोजीशन पे इंडियन मार्केट की एक आइकॉनिक हैचबैक आती है जो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मारुति स्विफ्ट 2005 में पहली बार लॉन्च हुई थी और अभी 2019 में आपको ये गाड़ी की 3rd जनरेशन मिलती है। इसका डीजल इंजन तो काफ़ी पुराना हो गया है तो उसको साइड में रखते हैं, लेकिन इसका 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन अभी भी बहुत पंची परफॉर्मेंस ऑफर करता है। पहले के कंपैरिजन में स्विफ्ट में आपको अभी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। लुक्स में तो ये गाड़ी ऑब्वियसली बहुत स्पोर्टी है और चलने में भी काफ़ी एंगेजिंग फील होती है। हाँ, इसका स्टीयरिंग ज़रूर थोड़ा लाइट है, लेकिन ओवरऑल ये गाड़ी चलाने में अपने राइवल से काफ़ी अच्छी है। क्योंकि पिछले सालों में स्विफ्ट की प्राइस काफ़ी बढ़ गई है तो अभी ये प्रीमियम हैचबैक कहलाती है। स्विफ्ट इंडियन मार्केट के हाईएस्ट सेलिंग कार्स के लिस्ट में भी हमेशा होती है और यूजुअली 2 से 4 नंबर के बीच में आती है। स्विफ्ट के बाद आती है होंडा जैज। होंडा जैज एक प्रीमियम हैचबैक है और ये बहुत ही स्पेशियस है। इसमें आपको 1.2 लीटर iVTEC और 1.5 लीटर iDTEC इंजन्स मिलते हैं और ये गाड़ी कम्पीट करती है i20 और पोलो के साथ। जैज में जो स्पेस है वो सेगमेंट में सबसे बेस्ट है और डीजल इंजन जो इसका है वो बहुत ही अच्छी माइलेज देता है। जैज के रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है और ओवरऑल ये काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी भी है। नंबर 1 पोजीशन पे आती है फोर्ड फ्री स्टाइल। हाँ, ये गाड़ी की डिज़ाइन काफ़ी क्रॉसओवर जैसी है, लेकिन ओवरऑल ये गाड़ी फिगो पे बेस्ड है, इसलिए हम इसको प्रीमियम हैचबैक कहते हैं। फ्री स्टाइल में भी आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.2 लीटर ड्रैगन पेट्रोल और 1.5 लीटर TDCI डीजल। ये गाड़ी की हैंडलिंग सेगमेंट में सबसे बेस्ट है और इसकी जो ड्राइविंग फील है वो काफ़ी एंगेजिंग भी है। फ्री स्टाइल में फोर्ड ने बहुत अच्छे फीचर्स दिए हैं और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये गाड़ी की प्राइसिंग बहुत वैल्यू फॉर मनी है। सेगमेंट में सबसे सस्ती गाड़ी है ये और मेंटेनेंस के मामले में भी ये गाड़ी सबसे कम रनिंग कॉस्ट ऑफर करती है। तो ये थी हमारी लिस्ट टॉप 5 प्रीमियम हैचबैक्स की। अगर आपको लगता है कि ये लिस्ट में और भी गाड़ियां ऐड हो सकती है तो हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट करके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मोटे भीम हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।